आज का ये हमारा एक समीकरण का क्वेश्चन है। इसमें पहले क्या करते हैं, देखो ये हमने भिन्न का सवाल बन गया, ठीक है। इसका ले लिया हमने लासा, एक्स माइनस तीन और 2x+3। इसमें देखो इस वाली संख्या से इस पूरे पद में भाग देंगे तो ये संख्या बचेगी, इस संख्या की गुणा इसमें हो जाती है 2x(2x+3) प्लस सेम इसके लिए जो इसके पास पद नहीं हो सकता कर दो गुणा एक्स माइनस तीन, ये हो गया प्लस 3x+9 बराबर 0। ये तो 0 में पहुँच जाएगा, खत्म करो। इसकी से गुणा करो, 2 × 4x² + 3 × 6x, एक्स माइनस 3 + 3x + 9 बराबर 0। तो ये तो गुणा होगी तो ये 0 को 0 हो जाएगा, ठीक है। 4x² (6 + 1) = 7, 7 × 3 = 10, 10x। 9 में से 3 घटाओ कितने बचे 6 = 0। 2 भी कॉमन ले लो यहाँ से, 2x² + 5x + 3 = 0। 2x² + 5x + 3 = 0/2। यहाँ क्या करते हैं, इसकी और इसकी गुणा करते हैं, 2 × 3 = 6, 6 के ऐसे दो टुकड़े करनी है कि जोड़ने पर 5 आ जाए, तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं 2 × 3 = 6। 2x² + 2x + 3x + 3 = 0। 2 के जोड़े, ये हमारी द्विघात समीकरण बन गए, ठीक है। हमें वही प्रोसेस करना है x². अब देखो यहाँ क्या हुआ है, 2x कॉमन ले लो, ठीक है, x² छोड़ो, 2x कॉमन ले लो, x = 1, यहाँ पर +3 कॉमन ले लो, x + इसमें से 3 निकालेंगे, 1 = 0। सेम ब्रैकेट एक जगह ले लो, बचे हुए पदों को एक जगह। अब हमें क्या करना है, इस बार संख्या को 0 के बराबर रखना है, ठीक है। x + 1 = 0, तो x = -1। नेक्स्ट हमारा 2x + 3 = 0, 2x = -3, x = -3/2। तो ये हमारे क्या है, x के दोनों मान निकल कर, देखो इसे समझो दोबारा। हमने सबसे पहले क्या किया था, यहाँ पर इसका हमने लासा ले लिया, जो हमें जो इस वाली संख्या से इस वाले पद में भाग देते हैं, और जो संख्या नहीं है उसकी उससे गुणा करते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पर क्या, इस वाली संख्या से गुणा कर दी, इनके अंदर गुणा करी, गुणा करने के बाद हमारी द्विघात समीकरण बन गई। द्विघात समीकरण के बाद सेम प्रोसेस जैसे हम 2 कॉमन लेने पर करते हैं, बाकी तुम्हारे एक्स का मान ही निकल कर, ये हमारे दोनों आंसर हो गए, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।